पृथ्वी पर डायनासोरस का इतिहास काफी पुराना है। पृथ्वी पर लाखों साल पहले डायनासोरस पाए जाते थे, लेकिन आज भी उनके होने के निशान मौजूद हैं। हालांकि इंसानों को आज तक डायनासोरस के अवशेष मिले हैं और उनके होने का प्रमाण मिला है। उनमें सबसे खतरनाक डायनासोरस में से एक है ट्रायसेरेटॉप्स और टीरेक्स। डायनासोरस की ये प्रजाति आज से तकरीबन करोड़ों साल पहले पाई जाती थी, लेकिन इनके मिले अवशेष को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये अपने समय में बहुत ही खतरनाक जानवर रहे होंगे। शायद उस वक्त पृथ्वी पर इनसे बड़ा और विशालकाय जानवर रहा ही नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने ट्रायसेरेटॉप्स और टीरेक्स इन दोनों डायनासोरस को अक्सर हॉलीवुड फिल्मों में भी देखा होगा। वहाँ पर अक्सर इन दोनों डायनासोरस की आपस में लड़ाई होते दिखाया जाता है, लेकिन वाकई में यह कहना काफी मुश्किल होता है कि इन दोनों में कौन सा डायनासोर मोस्ट पावरफुल है और कौन दूसरे पर भारी पड़ेगा। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम जान लेंगे कि ट्रायसेरेटॉप्स और टीरेक्स दोनों ही बहुत खतरनाक और बेहद पावरफुल डायनासोर में कौन ज्यादा शक्तिशाली है और कौन किस पर भारी पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्रम में सबसे पहले चलिए नजर डालते हैं दोनों ही डायनासोर्स की शारीरिक बनावट और उनकी स्ट्रेंथ पर। अगर बात करें टीरेक्स की तो इसकी हाइट 6 मीटर यानी कि लगभग 20 फीट तक होती थी, वही इसकी लंबाई 13 मीटर यानी कि लगभग 43 फीट तक ही होती थी। ये डायनासोर्स हाइट में घर के दो मंजिला घर के बराबर होता था। अगर बात करें इसके खाने की तो ये ज्यादातर दूसरे जानवरों को ही अपना भोजन बनाकर खा जाता था। कई बार तो दूसरे डायनासोर्स को भी मारकर खा जाता था। अब चलिए जानते हैं टीरेक्स की खास वेपन्स के बारे में। टीरेक्स के पास दुनिया के सबसे मजबूत दांत थे। उसके दांतों की हाइट 60 सेंटीमीटर तक होती थी और जब ये किसी चीज को काटते थे तो अपने जबड़ों के बीच 10,000 PSI का फोर्स लगा देता था। अब जरा सोचिए, अगर कोई 60 सेंटीमीटर लंबे दांतों से 10,000 PSI की ताकत से किसी चीज को काटता है तो फिर उसकी क्या हालत होगी। हम आपको बता दें कि टीरेक्स अपनी दांतों से 60 किलोग्राम तक की चीजों को आसानी से उठाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता था। और अगर बात करें इसके टांगों की तो अपनी टांगों की मदद से भी यह अपने दुश्मन पर तगड़ा हमला कर सकता है। साथ ही उसकी लंबाई और फ्लेक्सिबल टांगे उसे तेजी से भागने में काबिल बनाती है। वही अगर बात करें ट्रायसेरेटॉप्स की तो इसकी हाइट तकरीबन 3 मीटर तक यानी कि लगभग 10 फीट और लंबाई भी 9 मीटर तक यानी कि लगभग 30 फीट तक होती थी। साथ ही इसका वजन तकरीबन 12 टन तक होता था, यानी कि शारीरिक गठन की बात करें तो ये टीरेक्स के मुकाबले आधा ही है। वही खाने में ट्रायसेरेटॉप्स सिर्फ कांटेदार पेड़ और घास ही खाता था। अब चलिए यह भी जान लेते हैं कि ट्रायसेरेटॉप्स के पास हथियार कौन कौन से थे। ट्रायसेरेटॉप्स का सबसे बड़ा हथियार है उसकी सींग। ट्रायसेरेटॉप्स के पास 3 बेहद नुकीले सींग हैं, जिसकी मदद से वह एक ही पल में दुश्मन को मौत के घाट उतार सकता है। दूसरी चीज है उसकी ईयर लिप। ट्रायसेरेटॉप्स की ईयर लिप काफी मोटी और मजबूत हुआ करती थी, जो उसे दुश्मन के अटैक से बचाया करती थी। साथ ही इनकी स्किन काफी मोटी हुआ करती थी, जिससे कि इनको चोट बहुत कम लगती थी। अब आइए एक बार में ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर टीरेक्स और ट्रायसेरेटॉप्स की लड़ाई हो जाए तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है। अगर बात करें टीरेक्स के एडवांटेज की तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज उसके दांत है, जो कि ट्रायसेरेटॉप के भी चितड़े कर सकते हैं। साथ ही उसका दूसरा एडवांटेज है उसकी आंखें। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, टीरेक्स की आंखें बहुत तेज हुआ करती थी। वह बहुत दूर से ही अपने दुश्मन को करीब आते देख सकता था। इसके साथ ही दिमाग और स्किल्स के मामले में भी टीरेक्स काफी तेज था। टीरेक्स और ट्रायसेरेटॉप्स की फाइट में टीरेक्स के पास सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि टीरेक्स एक शिकारी जानवर है और अक्सर दूसरे जानवरों को मारकर अपना शिकार बनाता रहता था, जबकि दूसरी तरफ ट्रायसेरेटॉप्स बेहद शांत स्वभाव वाला जानवर हुआ करता था। ये अपनी लाइफ में बहुत कम बार ही किसी से भिड़ते थे। अब अगर बात करें टीरेक्स के डिसएडवांटेज की तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज थी इसकी टांगे। भले ही इसकी टांगे तेजी से भागने में मददगार थी, लेकिन इनकी आगे की दो टांगे
बेहद छोटी थी और इन्हें अपनी पिछली टांगों के भरोसे ही खड़ा रहना पड़ता था, जिसकी वजह से लड़ाई के वक्त इनको शरीर का बैलेंस बनाना काफी मुश्किल हो जाता था, जबकि ट्राइसेरेटॉप्स की चार ही टांगें सेम हुआ करती थी और वो जमीन पर बहुत ही मजबूती से खड़ा रहता था। टी-रेक्स एक और मामले में ट्राइसेरेटॉप्स की तुलना में कमजोर था। टी-रेक्स के पास कोई भी स्पेशल वेपन नहीं था, जबकि ट्राइसेरेटॉप्स के पास तीन बहुत ही मजबूत और नुकीले सींग हुआ करते थे, और उस सींग से अगर उसने एक बार भी टी-रेक्स की गर्दन या पेट में वार कर दिया तो पूछो मत। लेकिन ट्राइसेरेटॉप्स के लिए यह करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि टी-रेक्स हाइट में उससे लगभग दो गुना बड़ा था। उसके करीब तक सही सलामत पहुंचना ट्राइसेरेटॉप्स के लिए लगभग नामुमकिन था, और अगर टी-रेक्स ने अपनी दांतों को ट्राइसेरेटॉप्स की गर्दन में घुसा दिया तो फिर एक पल में ही ट्राइसेरेटॉप्स की जान निकल जाएगी। ऊपर से अगर ट्राइसेरेटॉप्स ने अपनी जान बचाकर भागने की भी कोशिश करता है तो भी वह टी-रेक्स से बचकर भाग नहीं सकता था, क्योंकि टी-रेक्स की खास टांगें भले ही उसे बैलेंस में नहीं रख पाती, लेकिन ऊंची छलांग लगाने के लिए और तेजी से भागने के लिए यह टांगें बहुत मदद करती थी। तो मेरे प्यारे दोस्त, हमारे हिसाब से अगर टी-रेक्स और ट्राइसेरेटॉप्स की आपस में फाइट होती है तो बेशक ही जीत टी-रेक्स की होगी, क्योंकि टी-रेक्स हर मामले में ट्राइसेरेटॉप्स की तुलना में शक्तिशाली है। खैर, इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करना। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कर लो, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करो। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।